भाई आज हम खेल रहे थे मलिक शान और लोफर जी के साथ, और ये जो लोफर थे ये पाकिस्तान से थे। और भाई आप लोग को पता ही है कि जैसे कि छोटी दिवाली है, तो हो सकता है बैकग्राउंड नॉइस में आपको एक नॉइस और सुनाई दे, पटाक पुट 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 पटाक। भाई लूट ही रहे थे तब तक आसमान में कोई पाद मार दिया, तो देख रहे चार नंबर फ्लेयर छोड़ दिए जोन के बाहर ही। अरे भाई चार नंबर जोन के बाहर क्यों फ्लेयर छोड़ दिए यार, BIDM आएगी। भाई मर जाते हैं, नेस्टी ए फ्लेयर। भाई ये नेस्टी पेस्टी क्या होता है यार, नसीब नहीं चलता यार भाई, नसीब नहीं चलता, मतलब मर जाते हैं। फ्लेयर गन को भी टोटका करने आने लगा क्या, ओ माय गॉड। भाई कहाँ से हो आप? भाई मैं पंजाब से। मतलब भाई पंजाब में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे भैया ये दो नंबर को दौरे पड़ने लगे क्या, इंडिया वाले की धुलाई हो रही है। धुलाई हो रही है? कहाँ धुलाई हो रही है भाई, ये बंदा कहाँ दौड़ के जा रहा है? अरे रुको रुको, बचा लिया, तीन तीन चार चार मार लिए। भाई दो नंबर इतना चिल्लपो मचा रहे थे क्या बताएं, जैसे आदमी छक्का ना मारा हो, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लिया। भाई मैं इंडिया से हूँ भाई। अच्छा भाई, जत राम राम से युते आनी मैं अपने। अब भाई हम बोले थे ना कि हम पंजाब से हैं, तो चार नंबर हमको पंजाबी गाना सुनाने लगे। अच्छा हुआ हमने बिहार से है नहीं बोला, वरना भाई सब सुनाने लगते, जब लगावे लूटू लिपस्टिक लॉलीपॉप लागे लू। कौन कह रहा था भाई कि इंडिया की धुलाई हो रही है? पिटाई हो रही है, पिटाई। कैसी पिटाई हो रही है भाई? मतलब अभी एक ही ओवर में चार छक्के लगे उससे। ये देख लो भाई, चार छक्कों में ये हाल है। अगर युवराज सिंह के अगर ये छह छक्के देख लेते तब तो ये छाती पिटने लगती। अब भाई सामने देख रहे हमारे टीममेट की पिटाई हो रही थी, हम कहे तेरी ऐसी की तैसी मारूं। बड़ी जल्दी में थे काका जी, दो गुम्मा मारा ऊपर ही टपक गए। थैंक्स भाई, क्या ही बचा भाई ब्रो। बॉस मानता है कि नहीं? अब भाई चार नंबर डंडा करने लग गए, हेल्थ किट गिराओ हेल्थ किट गिराओ। हम क्या भैया एक ही हेल्थ किट है, चुपचाप बस बैठे रहो, वरना पता चल गया कि हमारे पास है हेल्थ किट तो कहीं डंडा करके ले ना ले। भाई हेल्थ किट गिरा दे, एक नंबर भाई हेल्थ किट गिरा दे। हेल्थ किट भाई मेरे पास खुद नहीं है, मैं तो खुद बैंडेज से काम चला रहा हूँ। दो नंबर भाई हेल्थ किट गिरा दे यार, भाई कोई हेल्थ किट गिरा दो यार, हेल्थ किट गिरा दो भाई, हेल्थ किट गिरा दो यार। नहीं। अभी जब छक्का पड़ा था तो दो नंबर पूरा हल्ला मचाते छक्का पड़ गया, और अभी जब हेल्थ किट मांग रहे हो आधे घंटे से, तो किसी के माइक से नचू हो रही है, नचा हो रही है, नपू हो रही है, नपा हो रही है। भाई इस घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके बंदे घर के अंदर पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे थे, हमको स्मेल भी आ रही थी, कहीं से दाल जल गई थी खिचड़ी की। बैठे रहो भैया अंदर बैठे रहो, अभी बताते हैं। बम का निकाले गोला और ऐसा अंधी तुक्की में फेंके छक्का लग गया, गए भैया रॉकी जी। भाई हम भाग के गए ऊपर उसको मारने के लिए, तो ये भाई सब ऊपर से छलांग मार के उधर पता नहीं क्या ढूंढने गए। ए कल्लू उधर कहाँ जा रहे हो भैया, ऊपर चलो ऊपर। अरे भाई ये तो द मम्मी रिटर्न्स वाली गाड़ी है यार। अब भाई तब तक दो नंबर लोफा जी थे, उनकी लंका लग गई, हम क्या छोड़ो भैया पहले ये द मम्मी रिटर्न्स को देखा जाए कहाँ जा रहे हैं। द मम्मी, ए द मम्मी, आ रहे भैया आ रहे, ऐसा गुम्मा मारेंगे कि इनका मम्मी अलग गिरेगा रिटर्न्स अलग गिरेगा। भाई मम्मी रिटर्न्स पूरा रास्ते में लैंड माइंस उन्स बिछाने का काम कर रहे थे, तुरंत हम पहुंच गए दिया गुम्मा। पीछे देखो, ये देख लो भाई दो नंबर को मर गए हैं, तो पूरा मैच में हो हल्ला मचाए हुए थे क्या ही बताएं। तब तक सामने हमें दिखी राधिका जी। भाई हम सोचे थे कि राधिका जी का शिकार हम करेंगे, जैसे ही गाड़ी निकालने गए उससे पहले ही राधिका जी ऊपर टपक गई। तो भाई इसी बात पे एक शेर हो जाए कि किसी का झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, कि किसी का झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, ये कहकर वो मेरा पूरा हलवाई खा गई चुड़ैल। अरे भाई चल यार एक नंबर, अरे लेट्स गो। ये देख रहे हो भाई शान जी को, अच्छा खासा थार में जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें नहीं बैठेंगे, इनको चाहिए ऑडी BMW,
तभी बैठेंगे। हम का एक काम करो, एटीट्यूड की बना लो बत्ती। भाई हमको मन ही मन लघु शंका लग रही थी कि पहाड़ पे कोई है, इसलिए हम गाड़ी खड़ी करके चुपके चुपके गए। तब तक भाई साहब एक मुंडी दिखाई पड़ती है। भम्म भम्म भम्म, काहो काले रवि, का हाल है, बाकी के काले कहाँ है? अब भाई काले रवि जी तो पहाड़ से कूद के नीचे सुसाइड कर लिए। तब तक नीचे एक कल्लू दिखा, फिर से एक और कल्लू दिखा। अब भाई कल्लू की टीम में तो एकदम हड़कंप ही मच गया था, सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे चिल्लाते हुए, त्राहीमान त्राहीमान। भाई इधर से हम लोग भना भन गोली चला रहे हैं, और इनको देख लो, ये भाई सब हमारे सामने स्टंट कर रहे हैं। भाई गोली चला के तो हम यहाँ छुप गए, और ये हमको पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे थे, देख रहे थे दिया कनपट्टी पे घुमा के। क्या भाई काला खतरा जी हल्के में ले रहे थे क्या? इनको छोड़ो, और दो तीन होंगे ना नीचे, तो कल्लुओं मैं आ रहा हूँ। भाई दो ये लोग बचे हुए थे और तीन हम लोग बचे हुए थे, तो आगे से हमारे टीममेट गोली चला रहे थे, चुपके से हम पीछे पहुंचे। तब तक हमको यफा जी दिख गई, यफा जी को गोली मार के हमने दफा कर दिया। अरे भाई ये काला कोट कौन है? लगता है ये यफा जी के बॉयफ्रेंड है। आ जाओ भैया आ जाओ, तुमको भी गुम्मे का प्रसाद दे दिया जाए। भम्म 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 भम्म, कौन करे लव इन द हाउस बेबी। भाई जिस तरीके से कल विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेली है, उसी तरीके से इस मैच में मैं भी बेहतरीन पारी खेलने वाला हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि पतली गली से निकल लूँ, इतने लोग हैं यहाँ, पर गाड़ी थी ही नहीं तो निकलते क्या घंटा। भाई इस मैच में हमारे साथ खेल रहे थे आयुष, अलोन और बिल्ला जी, और एक नंबर की झंडू बम गन हमको मिली थी, ये तबड़िक तबड़िक करने वाली गन, तो वही हम लेके खिड़की पे निहार रहे थे कि कोई मौका मिले तो चलाएं। ये गाड़ी लेके कहाँ भाग रहा है भाई साहब की? फटी फटी भाई साहब की, जंग का मैदान छोड़ के पहले ही भाग गए क्या यार? अरे यार क्या यार। अब भाई चारों तरफ गोलियां उलिया चली रही थी, तब तक एक भाई साहब बाउंड्री लाइन पे खड़े होके कर रहे थे, दिया एक कंटा। अब भाई अलोन जी चौराहे पे खड़े होके पता नहीं किसको कट्टा दे भना भन दे बना बन दिए पड़े थे। हम आए इधर तब तक किल कंफर्म करने, तब तक उधर उनको प्रसाद मिल गया। हम कह रुक जाओ भैया आ रहे यार, दो मिनट चैन की सांस भी नहीं लेने देते ये लोग। उफ, उफ। भाई हम पेटी लूटने ही गए थे, तब तक फैक्ट्री की ओर से एक गाड़ी आती है। अब हम सोचे ये भाई साहब हम लोग से इधर लड़ाई करेंगे बदला लेंगे, तो ये गाड़ी खड़ी करके ऊपर ही भाग गए। क्या हो गया भैया, कहीं बीच मैच में इसको पैखाना तो नहीं आ गया? अरे भाई ये तो कमाल ही हो गया, इस गन से एकेएम वाले को मैंने ठेल दिया। ओ माय गॉड, फंटास्टिक फंटाबुलस। अब भाई फटाफट हमने हेल्थ किट लगाई, कहा से चौराहे पे खड़े होके दो बंदे हुड़दंग मचा रहे थे, यहीं से कंटा पारा हेलमेट वेलमेट सब गायब कर दिया। अब एक बंदा और बचा था, हमका दौड़ा के मारेंगे इसको। ए लड़का, ए ए लड़का, ये देख लो राम किशोर जी को, ये तो लग रहा था भाई सब दौड़ते दौड़ते गेम के बाहर ही निकल जाएंगे। अब भाई गाड़ी पे कब्जा किए थे अलोन जी, पता नहीं कहाँ जून के बाहर इधर से उधर गाड़ी घुमा रहे पड़े थे, ऊपर से आधी खोपड़ी तो हमारे घर की सफाई और झाला लगाने में निकल चुकी थी। हम कहे उतरो गाड़ी से जल्दी, कहे से थोड़ी देर और गाड़ी में बैठे रहे तो कहीं मैं प्यूक ना कर दूं। अब भाई हम निकल गए ड्रॉप लूटने के लिए, हटो भैया तुम सामने से, कहे से भाई हमको चाहिए थी आरपीजी, तो आरपीजी तो मिली नहीं, ग्रोजा मिल गई। हम कहे चलो ग्रोजा ही चलाएंगे। भाई हम जैसे निकलने वाले थे तब तक एक डगमगाती हुई गाड़ी दिखी। अरे भाई मेरा किल मत चोरी करना, वो मैंने मारा है। अरे अरे यार, अबे भाई ये पल्स पोलियो किल चुरा ली, अब गाड़ी तो रोको। अरे भाई ये गाड़ी कैसी इसकी चल रही है, लगता है ये भाई साहब दो खुराक नहीं पिलाए। अब भाई गाड़ी हम ठोके बहुत कुछ किए, लेकिन भाई साहब गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। तब तक उधर हमारी टीम के बिरला जी का विकेट गिर गया। हम कहे इसको छोड़ो, अजय को पकड़ो। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। क्या भैया अजय जी कैसी रही? तो भाई इसी बात पे एक शायरी प्रस्तुत की है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे रम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे रम निकले, जी भर के कभी ना पी पाया क्योंकि जेब में पैसे कम निकले। बोलो भाई 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 भाई, चाय 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 चाय।
ये देख लो भाई साहब को, शायरी भी खत्म हो गई है, लेकिन ये भाई साहब गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं यहाँ गेम में गाड़ी चलाने आए हैं, करने क्या आए हैं। उतर गाड़ी से, उतार गाड़ी से उतर, जैसे उतरे दिया एक घंटा घुमा के। क्या भाई, जब एक घंटा हम तुमको ही मारने में लगा देंगे तो बाकी मंदों को क्या मारेंगे। अब भाई पहाड़ी से कुछ लोग भना भन हमारे ऊपर गोलियां बरसाए पड़े थे, तो हम थोड़ा सा रास्ता बदल के आए और ये लोग लगे हुए थे गोली उली चलाने में। अभी बताते बेटा, रुको 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 रुको, एंजल जी ऊपर चलिए। हाँ तुम भाई लूटते रहो, ऐसा ही साहब लूटते रहिए लूटते रहिए। अब भाई एंजल जी कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को बुला ली कि मुझे किसी ने टच कर दिया है, जल्दी आओ। और ये बॉयफ्रेंड देख लो, दौड़े पड़े दौड़े पड़े। मतलब दो लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ चुकी है, एंजल बचाओ बचाओ कर रही हैं, लेकिन भाई साहब पता नहीं कहाँ अपने में मगन है, कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं। इनको तो बस इम्प्रेस करना था एंजल जी को, एंजल जी को इम्प्रेस तो कर नहीं पाए, लूटिए अपनी अलग दो बोलिए। अब भाई ड्रॉप से हमको मिल जाती है AWM, अब देखो तुम्हारा भाई AWM चलाएगा। हार्ट, अरे भाई भम, देखा भम, देखा। अब भाई एक बंदा बचा हुआ था, वो था पीपल ट्री के पीछे, आधे घंटे से उसको हम देख रहे हैं, वो पीपल ट्री के पीछे से चेहरा दिखाई नहीं रहा है, दिखाई नहीं रहा है। मेरे को तो एकदम गुस्सा ही आ गई, हम कह रुक जाओ यहाँ से AWM चलाते हैं। तब तक गाड़ी से उतरते ही हमको प्रसाद देने लग गया, तेरी ऐसी की तेजी मारूं, निकल ऊपर। तो भाई आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, खूब फटाके फोड़िए, खूब मिठाइयाँ खाइए, दबा के जितना हो उतना खा सके। और भाई आप लोगों से मैं मिलता हूँ कल संडे 12 बजे। बाय बाय।